Three things with which you can ace your any theory-based exams will be mentioned in this video. And in today's video, you are going to learn programming in C by the subject topos of the subject. Like today, Shivang Chhabra from DTC is going to teach you programming in C with the most efficient methods. He will be teaching you three topmost things that can ace any exam, that are most two topics, most repeated questions, and your pro level notes with the live programming. So, sab cheez ka link aapko description box mein mil jayega. Well, how's it going? You're doing? अच्छे से पढ़ रहे होगे. I hope series पसंद आ रही होगी. And if you are enjoying the content, then do not forget to leave a cute comment in the comment section, because they are the only way you motivate us. All right, channel को subscribe कर दो फटाफट से, as we have put a small target of 3000 subscribers this midterms. तो फटाफट से subscribe कर देंगे, series को follow करेंगे. आज और कल में regular videos मिल जाएंगी, chapter cover हो जाएगा, no issues. But the demand is regular बैठ के पढ़ो, अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठो. एंड येस, डोंट लूज द मोटिवेशन, यू कैन डू इट. प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं सब साइट पे मिल जाएंगे. साइट का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ. कंसिस्टेंसी रखो, हो जाएगा. एंजॉय द वीडियो. सो वेलकम बैक एवरीवन. आज हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग सी का यूनिट 2. हम लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे सिलेबस देख लेंगे. सिलेबस में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एरेज, फंक्शन, स्ट्रिंग्स सब हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं. खाली हमारा स्टोरेज क्लासेस और रिकर्जन बचा है, इसको भी हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे. और जब आप ये लेक्चर पूरा देख लें उस पर सारे नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि यूनिट 2 अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पेपर में दिक्कत ना है. ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टोरेज क्लासेस और रिकर्जन. स्टोरेज क्लास के पहले मैं आपको बताता हूँ स्टोरेज क्लासेस क्या होता है. जैसे डेटा टाइप होता है ना, वैसे एक स्टोरेज क्लास होती है. आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो उसको डेटा टाइप दोगे कि उसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, ऐसे इसको स्टोरेज क्लास भी दोगे कि वो किस टाइप, उसके जो स्टोर होगा वो डाटा, वो उसका इनिशियल वैल्यूज क्या होगी, वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसको आप उसका स्कोप क्या होगा, उसकी लाइफ क्या होगी, ये सब बातें क्लियर करने के लिए उसको स्टोरेज क्लास देनी पड़ती है. आपको नहीं समझ आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, आगे सारी जैसे हम इनके स्टोरेज क्लास पर बढ़ेंगे आपको चीज़ें और क्लियर होती रहेंगी. ठीक है, चार तरह की स्टोरेज क्लासेज होती है, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल. पहली स्टोरेज क्लास पढ़ते हैं पहले, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास कौन सी होती है, जिसके चार, हम जो भी स्टोरेज क्लासेस पढ़ेंगे सारी स्टोरेज क्लासेस को चार पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे. पहला कि उसको डाटा कहाँ स्टोर कर रही है, दूसरा उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी उस वेरिएबल में जिसका वो स्टोरेज क्लास है, तीसरा उसका स्कोप क्या होगा, और चौथा उसका लाइफ क्या होगा. ठीक है, स्टोरेज, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की स्टोरेज होती है मेमोरी में स्टोर होगा, डिफॉल्ट वैल्यू एक गार्बेज वैल्यू होती है. गार्बेज वैल्यू का मतलब, जैसे आप देते हो ना इंट ए और फिर अभी तो ए इक्वल्स टू वन, तो ए में वन वैल्यू चली गई. अब जैसे आपने स्टोरेज क्लास लिखी, डेटा टाइप लिखा, इंटीजर लिखा, अभी आपने उसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, तो पहले से जो उसमें वैल्यू आ जाएगी वो एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी, मतलब गार्बेज वैल्यू होगी. ठीक है, जो एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू समझ आ गई, कोई भी रैंडम वैल्यू जो कंपाइलर अपने उठा के उसको दे देता है. ओके, स्कोप, स्कोप का मतलब ये होता है कि कहाँ पे वो एक्सेसिबल रहेगा, वो जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया स्टोरेज क्लास में, एक ब्लॉक के अंदर रहेगा, पूरे प्रोग्राम में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, ये सब स्कोप बताता है. ओके, फिर लाइफ, लाइफ का भी ये मतलब है कि कब तक वहाँ उस स्टोरेज क्लास में वो चीज़ स्टोर रहेगी, जब तक प्रोग्राम एक ब्लॉक के अंदर है या फिर पूरे प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होता तब तक रहेगी, ये सब बातें लाइफ से क्लियर होती हैं. तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की स्टोरेज मेमोरी है, डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू है, और उसका स्कोप लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड. जिस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल को डिफाइन किया गया उसकी स्टोरेज क्लास दी गई है, उसी ब्लॉक के अंदर उसकी वैल्यू का एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगी. फिर उसकी लाइफ के, टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड. जिस ब्लॉक के अंदर आपने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में उसको डिफाइन किया, उस ब्लॉक के अंदर जब तक कंपाइलर अपना काम करेगा तब तक उस वो मेमोरी में वहाँ सेव रहेगा. जैसे कंपाइलर बाहर आया मेमोरी क्लियर हो जाएगी, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी वहीं पे. ठीक है, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं. ये तो कोई प्रोग्राम लिखा है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए, पहले वही इंक्लूड stdio.h. आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है. मेन फंक्शन के अंदर हमने एक पहले स्टोरेज क्लास लिखी जो कि ऑटो है, ऑटोमेटिक को ऑटो लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसका डेटा टाइप इंटीजर और i=3 दे दिया मैंने. ठीक है, फिर एक ब्लॉक बनाया मैंने, ये आपको पता है कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बनता है, इस ब्लॉक के अंदर मैंने दोबारा से उसको ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास दी, इंटीजर डेटा टाइप दिया, और सेम आई वेरिएबल को 8 मैंने इस बार वैल्यू चेंज करके उसको 8 दे दी. ठीक है, फिर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ, और दोबारा मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ बट उस ब्लॉक के बाहर. जब इस कोड को हम रन करेंगे तो आप देखेंगे 8 और 3 आएगा. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आई की वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर है 8. जैसे ही हम इस ब्लॉक के बाहर आए और यहाँ पे प्रिंट कराया, तो इस वाली लाइन का एग्जिस्टेंस नहीं रहा बाहर, क्योंकि उसकी स्टोरेज क्लास खाली ब्लॉक के अंदर ही डिफाइंड होती है, उसका स्कोप खाली ब्लॉक के अंदर होता है. इस ब्लॉक के बाहर इसकी वैल्यू क्या है, ये जो ऊपर दे रखी है आई,
नॉर्मली क्या होता है, ये देखो अगर मैंने ये ब्लॉक नहीं दिया होता और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आई इक्वल्स टू 8 कर देता, तो अब दोनों जगह 80 प्रिंट होता, क्योंकि इसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, ब्लॉक्स की वजह से डिफरेंस नहीं आया क्योंकि एक ही ब्लॉक में है दोनों, इसलिए चेंज हो सकती है। बट जब मैंने यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ये चीज़ करी तो फिर डिफरेंस आ गया 8 और 3 हो गया, क्योंकि पहले हम ब्लॉक के अंदर प्रिंट करा रहे हैं और ब्लॉक के बाहर इसके लिए जो वैल्यू है आई की वो ऊपर वाले लिखी हुई मैंने 3, ये 8 ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, यही इसका स्कोप है। और लाइफ टाइम कब तक है, मतलब यहाँ पे जो डिफाइन कर रखी है ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, इसके ब्लॉक के बाहर आते ही वो वैल्यू फिनिश हो जाएगी, वहाँ से उसका लाइफ वहीं पर खत्म हो जाएगी। ये सिंपल सी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास थी। अब अगली क्लास में बढ़ते हैं, अगली क्लास है रजिस्टर्ड स्टोरेज क्लास। रजिस्टर्ड स्टोरेज क्लास और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, खाली इसकी स्टोरेज में फर्क आता है, ये कहाँ स्टोर होती है, सीपीयू के रजिस्टर्स में। आपको ये बात पता होगा सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होती है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी गार्बेज वैल्यू है, इसका स्कोप भी लोकल टू द ब्लॉक है, और इसका लाइफ टाइम भी तब तक है टिल द कंट्रोल रिमेंस विद इन द ब्लॉक। एज इट इज सेम है ऑटोमेटिक की तरह, खाली स्टोरेज में फर्क है, सीपीयू के रजिस्टर्स में स्टोर होती है। एक बात आपको और बता दूं जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, कि रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं सीपीयू के अंदर, तो अगर सारे रजिस्टर्स पहले से कुछ वर्क कर रहे हैं और आप उसको रजिस्टर स्टोरेज क्लास दे दोगे तो भी वैल्यू एज ए ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ही वर्क करेगी, क्योंकि सारे रजिस्टर्स बिजी हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। फिर तीसरी स्टोरेज क्लास आती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास में कहाँ स्टोरेज होती है, मेमोरी के अंदर होती है ये भी। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। अभी तक हमने पहले दो पढ़ी, उन दोनों की दोनों स्टोरेज वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज थी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। मतलब आप अगर स्टैटिक लिखोगे, फिर डेटा टाइप लिखोगे, फिर वेरिएबल लिखोगे और फिर उसको प्रिंट करा लोगे तो 0 आएगा। बट ये अगर आप इंटीज ऑटोमेटिक और रजिस्टर के केस में करते तो 0 नहीं आता, कोई भी रैंडम नंबर्स आते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज और रैंडम नंबर लेते हैं और ये डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेता है, सिंपल सी द पॉइंट है। इसका स्कोप भी लोकल टू द ब्लॉक है और इसका लाइफ टाइम है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रिसिस बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्कोप स्टैटिक स्टोरेज क्लास को थोड़ा डिफरेंस बताता है बाकी स्टोरेज क्लासेस से, इसको समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। ये देखो अब हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास समझ रहे थे, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रिसिस बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, इसका मतलब ये है जो भी उसकी वैल्यू होगी वो होल्ड रखेगा जब तक उस ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है। समझ आया, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो यहाँ लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का यूज कर रहे हैं और राइट साइड जो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑटो इंट आई इक्वल्स टू 1 और यहाँ लिखा है स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन को पहले कॉल कर रखा है 3 बार और वो फंक्शन क्या कर रहा है, ये आई वेरिएबल की एक वैल्यू बढ़ा के प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे भी स्टैटिक में कर रखी है आई की वैल्यू स्टोर और आई की वैल्यू एक वैल्यू बढ़ा के प्रिंट कर रहा है। दोनों में आप फर्क क्या देखेंगे कि जब हम ऑटोमेटिक में 3 बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 प्रिंट हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया और कंट्रोल इस ब्लॉक के बाहर गया और दोबारा इंक्रीमेंट कॉल हुआ, तो जब दोबारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आया तो ऑटोमेटिक में कुछ भी चीज़ स्टोर नहीं है, ये दोबारा से उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, दोबारा सुनो। इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आया, इसने आई की वैल्यू को 1 कर दिया और आई प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी और कुछ नहीं किया। कंट्रोल इसके बाहर चला गया, बाहर जाते ही ये सब नलीफाई हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आई की वैल्यू 1 थी, ये सब भूल जाएंगे सब कुछ और आई की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। फिर जब दोबारा इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, फिर ये आई की वैल्यू देखेगा, 1 हो जाएगी यहाँ पर, ये प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा होगा, फिर 1 हो जाएगी, फिर प्रिंट कर देगा। स्टैटिक के केस में थोड़ा डिफरेंट होगा, ये देखो स्टैटिक के स्टोरेज क्लास के जब आप डिफाइन करोगे आई को, तो वो पहले 1 प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पे चलाएगा कंट्रोल वापस इंक्रीमेंट के बाद। इंक्रीमेंट के बाद क्या हो रहा है, दोबारा इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है। अब जब ये यहाँ पे आएगा ना, तो ये वैल्यू पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू स्टैटिक क्लास जो है वो वैल्यू को होल्ड रखती है, मतलब स्टोर रखती है अपने पास जो भी उसमें चेंज हुआ है। तो यहाँ पे स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 1 नहीं, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 रहेगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम इस ब्लॉक में आया था तो आई की वैल्यू 2 करके गया था यहाँ से कंपाइलर, इसलिए वैल्यू 2 रहेगी और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा इंक्रीमेंट फंक्शन जो कॉल होगा, तो आई की वैल्यू अभी क्या चल रही थी, 2। इस स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 1 की वजह से चेंज नहीं हुई, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू को होल्ड रखता है, जो भी चेंज आया था उसने 2 को होल्ड रखा, क्योंकि वैल्यू बढ़ाई और प्रिंट कर दी। सिंपल सीधा ये डिफरेंस था ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में। तो अब इस लाइन से आप कंफ्यूज होंगे, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रिसिस बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस, मतलब जो फंक्शंस के अंदर स्टैटिक स्टोरेज क्लास में अगर आप डिफाइन करोगे तो वैल्यू होल्ड रहेगी, उसमें चेंज जो आएगा वो चेंज रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में कुछ नहीं है, इसकी स्टोरेज भी मेमोरी में होती है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। इसका स्कोप ग्लोबल है, सबसे बड़ी बात यह है इसका स्कोप ग्लोबल है। जब आपको एक ही वेरिएबल बहुत अलग अलग जगह यूज करना, तो आप उसको एक्सटर्नल क्लास दें हमेशा, ताकि उसका स्कोप ग्लोबल की वजह से वो हर जगह एक्सेसिबल रहे। ठीक है, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन डजंट कम टू एन एंड, तब तक इसकी लाइफ चलती है। मतलब चाहे आप ब्लॉक में लिखो, चाहे ब्लॉक के बाहर लिखो, मेन फंक्शन के बाहर लिखो, मेन फंक्शन के अंदर लिखो, जब तक एक्सटर्नल फंक्शंस, एक्सटर्नल से आपने कोई किसी को डिफाइन कर रखा है,
और जब तक पूरा आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होता वो स्टोर रहेगा। ऑटोमेटिक स्टैटिक रजिस्टर केस में ऐसा नहीं था, एक्सटर्नल के केस में खाली एक लाइन एक्स्ट्रा है ये, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डजंट कम टू एन एंड, जब तक पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा उसके अंदर स्टोर रहेगा। इसका स्कोप ग्लोबल का मतलब ये है, किसी ब्लॉक के अंदर यूज करो, ब्लॉक के बाहर यूज करो, मेन फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर करो, कहीं भी करो, इसकी वैल्यू एक्सेसिबल रहेगी हर जगह। ओके, अब आ जाते हैं रिकर्सन पे। ये आप चारों शॉर्ट क्लासेस खत्म हो गए, डेफिनेशन डिफरेंस कुछ भी पूछा जाता है, इन्हीं चार पॉइंट्स में से आप सब कुछ कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आते हैं रिकर्शन पे। रिकर्शन का मतलब होता है जब एक फंक्शन अपने अंदर उस अपने आप को कॉल करे, उसको रिकर्शन बोलते हैं, वो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा। समझ आया? मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, जब मैं उसको डिक्लेयर किया जब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं उस फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ दोबारा, तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, डिफाइन पढ़ेंगे एक बार दोबारा से। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ फ्रॉम within its body, it is known as recursive function. जैसे कि मैंने आपको बताया, such kind of function calls are called recursive calls. मतलब जब आप function को define करते हो, लिखते हैं ना statements, उसमें जब आप उसको दोबारा call करेंगे तो उस call को क्या बोलेंगे? Recursive call. जो statements आप call कर रहे हो function के अंदर ही, उसको recursive call बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's write a program to get the sum of numbers from 0 to n in which n is given by the user. एक simple सीधा हम program बना के recursion समझेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर से एक नंबर लेंगे और वहां तक के सारे नंबर का सम्स को रिटर्न करेंगे एक फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। ओके, तो शुरू करते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन बनाया है इसको, इसका ब्रैकेट स्टार्ट, रिटर्न दे देते हैं पहले 0 ताकि मुझे बाद में ना दिक्कत हो। अब क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है। यूजर से जो हम नंबर लेंगे उसको मैं एक नम वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, तो मैं एक नम वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा, printf enter number। अब मैं ले रहा हूँ यूजर नंबर ले रहा हूँ, तो स्कैन करेंगे हम, scanf परसेंटेज d कॉमा एंड लगाना मत भूलना कभी, नम सेंड। मैंने यूजर से नंबर ले लिया, अब मुझे एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, तो पहले फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। फंक्शन का नाम लिखते हैं हम सम, इंट सम, जिसके अंदर एक हम लेंथ लेंगे कि कहाँ तक हमें प्रिंट कराना है, मतलब अगर 10 देगा तो 1+2+3+4+ ऐसे करके ये जो भी 10 तक सम आएगा वो हमें रिटर्न कराना है, तो एक नंबर हम उससे ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इंट एन लिख देंगे। समझे? एन वो नंबर होगा जहाँ तक हम उसको सम प्रिंट करके देंगे। सिंपल सीधा यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब इसके नीचे में फंक्शन वो डिक्लेरेशन था, अब डेफिनेशन कर देते हैं। इन सम इंट एन, फंक्शन डिफाइन करने में इस बॉडी में क्या लिखे हम, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टोटल, या फिर छोड़ो इसकी भी जरूरत नहीं है। अब देखो हमें इसको एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहला थॉट जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये फंक्शन ब्रेक कब होगा, मतलब इसका लास्ट पॉइंट कब आएगा कि जब मैं कहूंगा कि हाँ अब सारा काम हो गया अब रुक जा, वो कब होगा। अभी सम का फंक्शन है तो ये कब रुकेगा, जब सारे नंबर्स खत्म हो चुके हैं। सारे नंबर्स मतलब सब, उसको मैंने 5 एंटर किया तो 5+4+3+2+1+0 हो चुका होगा, तब ये फंक्शन रुक जाएगा। मतलब 0 पे रुक रहा है तो हम इसका पहले रोकने वाली स्टेटमेंट्स पे लिखते हैं। ठीक है, इफ जब n की वैल्यू 0 होगी तब ये रुक जाएगा, n इक्वल्स टू 0, तो भाई रिटर्न 0 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं अभी तक। मैं कह रहा हूँ जैसे एन की वैल्यू 0 होगी तो कुछ नहीं करना होगा, एक रिटर्न 0 कर देगा ये। अब एन की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करें, एल्स ये सेम फंक्शन दोबारा चलाए सम, उसको रिटर्न करें पहले, रिटर्न एन प्लस सम का एन माइनस 1। अब आपको ये लाइन थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो सब उसको मैंने 5 एंटर दिया, इस फंक्शन के अंदर 5 एंटर हुआ, बिल्कुल एंटर हुआ, पहले वो चेक करेगा क्या 50 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो इस एल्स में आ जाएगा। अब इस एल्स में क्या हो रहा है, रिटर्न एन प्लस सम एन माइनस 1, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा, अगर मैंने 5 एंटर किया तो इसकी जगह आ जाएगा 5+5-1 क्या होता है, सम का 4। समझ आया? अब जब ये फंक्शन दोबारा इसमें कॉल होगा फिर से इसमें आएगा, देखेगा क्या 40 के बराबर है, नहीं भाई 40 के बराबर नहीं, फिर इस एल्स में वर्क करेगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा, एन एन अभी 4 होगा जब ये कॉल हो रहा होगा, तो ये इसका जगह आ जाएगा, सम 4 की जगह आ जाएगा 5+4+3। फिर जब ये सम का 3 कॉल होगा फिर ये चेक करेगा क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, अब ये 3+2।
ऐसे जब ये सम टू कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, टू प्लस सम का वन। फिर जब ये कॉल होगा कि ये क्या रिटर्न कर देगा, वन प्लस सम का जीरो। ठीक है, अब बताओ इसका ये क्या रिटर्न करेगा, जब ये यहाँ पे कॉल हुआ तब ये चेक करेगा क्या n जीरो के बराबर है, बिल्कुल है। अब ये जीरो रिटर्न कर देगा, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इन सब की मदद से हमें फाइव अगर हमने इनपुट दिया तो फाइव तक का सम मिल जाएगा हमें, यही हमें चाहिए था। सिंपल सीधा प्रोग्राम बन गया। अब इसको कॉल कर लेंगे हम ऊपर, printf सम इज सम टिल टिल रन, सम इज परसेंटेज डी कॉमा, कॉल कर दो जो भी यूजर ने नंबर दिया होगा उस नंबर से। यूजर से मैंने नंबर लिया था, नम में सेव कराया था, अब इस नम से मैं वो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मुझे वहाँ तक सम से मिल जाएगा। इसको रन करके देखेंगे, इंटर नंबर सपोज फाइव तक हमने लिया था तो 15, देखो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 ये 15 ही आएगा, आप करके देख लेना। ऐसे ही ये वर्क कर रहा है, मैंने आपको समझा दिया क्या हो रहा है। पहले 5 जब इसमें आएगा 0 के बराबर नहीं होगा, एल्स में जाएगा तो 5 प्लस सम का 4 चलेगा, फिर सम का 4 क्या रिटर्न करेगा, 0 में चेक करेगा नहीं होगा तो 4 प्लस सम का 3, फिर सम का 2, 1 कर करके ये हम टोटल आ जाएगा। इसका सम ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15 जो ये यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, ऐसे बनता है रिकर्सिव फंक्शन। ये हो गया आपका रिकर्सिव फंक्शन, और ये जो कॉल आप इसी फंक्शन की इसी फंक्शन के अंदर लिख रहे हो इसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। ये दोनों चीज़ें की डिफाइन भी आपको समझ आ गई, एग्जांपल भी हमने ले लिया। आप देखते हैं आगे क्या है, ये हम स्क्रीनशॉट ले पा रखे सेम प्रोग्राम का। अब राइट अ प्रोग्राम टू गेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। फैक्टोरियल का प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। फैक्टोरियल के प्रोग्राम में कुछ फर्क नहीं है, ये देखो इसमें हम सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल। अब पहले सोचो फैक्टोरियल का प्रोग्राम ब्रेक कब होगा, मतलब उसका लास्ट पॉइंट कब आएगा। सब उसको मैंने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, सेम 5 लेते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अभी ये 1 पे रुक रहा है, ठीक है। 1 पे रुक रहा है मतलब 1 के बाद 0 पे तो नहीं जाएगा, 1 पे जब ये इंट n की वैल्यू 1 हो तभी क्या रिटर्न कर दे, 1 रिटर्न कर दे। ऐसे क्यों हो रहा है अभी बताते हैं आपको, देखो आ गया, ये बन गया आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। कैसे चल रहा है देखो, अब इसको पहले मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सम की जगह मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल। अभी आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन चुका है, कैसे काम कर रहा है मैं दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने 5 फैक्टोरियल 5 को कॉल किया, ये फंक्शन मैंने कॉल किया, तो यहाँ एन की जगह 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये चेक करेगा 5 एन के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो एल्स में आ जाएगा और रिटर्न करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर से हम देखेंगे, इसके इसमें आ जाएगा 5 प्लस फैक्टोरियल 4, ये रिटर्न कर रहा है वो। अब ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, अच्छा प्लस नहीं है इस बार, सॉरी फैक्टोरियल का 4, ठीक है। ये फंक्शन दोबारा से इसमें कॉल हो रहा है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है इस बार, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का, समझ आया। ये बार बार फैक्टोरियल फंक्शन अपने आप में कॉल हो ही जा रहा है, कब तक कॉल होगा, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, तो फैक्टोरियल 3 क्या रिटर्न करेगा हमें, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब ये फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ 2 जब कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ये क्या रिटर्न कर रहा था, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ, समझ आया क्या चल रहा है यहाँ पे। जब पहले 5 आया तो यहाँ पे 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल हो गया, जब फिर 4 आएगा तो क्या 4 के 1 बराबर, 4 1 के बराबर होगा, नहीं होगा, फिर से 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 जब यहाँ पे आया तो क्या 3 1 के बराबर है, नहीं है, फिर 2 इंटू 1 कॉल हो जाएगा, फिर जब 1 आएगा फिर हाँ 1 1 के बराबर है तो रिटर्न 1, तो इस फैक्टोरियल ऑफ 1 की जगह क्या रिटर्न करेगा ये 1, इसके आगे कुछ नहीं होगा, तो ये इससे हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा 5 का। ऐसे चलता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। इसमें जब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, खाली यहाँ पे फैक्टोरियल लिखना है और इंटर नंबर, बाकी सब चलिए यहाँ पे भी चेंज करना, सॉरी फैक्टोरियल इंटर नंबर 5 का ही ले लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है जो कि आ गया। समझ गए कैसे चल रहे हैं, हमने यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की कॉल दी,
यहाँ पे आया, चेक करा क्या 5 1 के बराबर है, 5 1 के बराबर नहीं है, तो क्या कॉल चला गया 5 × (4) कॉल कर दें। सिंपल ऐसे ही बनता है एक रिकर्सिव प्रोग्राम। जब भी आप एक रिकर्सिव प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले सोचें कि वो एंड कहाँ हो रहा है, वो कंडीशन सबसे पहले इफ में लिखें और फिर एल्स लगा के जो भी स्टेटमेंट्स आपसे रिकर्सिव करनी वो लिखें। जैसे मुझे पता था फैक्टोरियल का प्रोग्राम में, इसलिए मैंने n=1 पर रिटर्न 1 कर दिया। अगर सम का था तो मुझे पता था वो 0 पे एंड होता है, इसलिए n=0 पे मैंने रिटर्न 0 कर दिया। ऐसे ही सारे प्रोग्राम बनते हैं रिकर्सिव में। रिकर्सिव में बस इतना ही था, जिस फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, उस कॉल को रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। जैसे ये भी रिकर्सिव कॉल है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी आपको समझा दिया और बाकी के रिकर्सिव प्रोग्राम के आप क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। रिकर्सिव अब ये हमारी पूरी यूनिट 2 खत्म हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। सब अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई भी दिक्कत हो, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, या फिर ये इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, कमेंट में कर देना। या फिर पढ़ाने में अच्छा ना लगा हो तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपको ऐसा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो भी बता देना। और बाकी ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय।